साउंड सिस्टम इज लाइक अ न्यू डिश, ये वाला नहीं ये वाला। और इसको अगर पहली बार टेस्ट करने पे मजा आया तो बार बार ट्राई करोगे, और अगर टेस्ट खराब हुआ तो यू नेवर नो। वेल, अपने पास है ब्लू डॉट ऑफ परफेक्शन, जिसको जर्मन लैंग्वेज में ब्लू पंक बोलते हैं। सही बोला मैंने। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जर्मन ब्रांड्स का मतलब है परफेक्शन, एंड इसके साथ भी कुछ ऐसा ही क्लेम किया गया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ब्लू पंक SBW 600। सो ये एक 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल साउंड बार विद सबवूफर। क्या बता दिया है, सिंपल भाषा में ये एक 5.1 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम है, और इसकी टोटल आउटपुट है 360 वोल्ट, जिसके साथ आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट, DTS 5.1 एंड सभी लेटेस्ट टाइप के कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक ब्लूटूथ 5.0, HDMI, ARC, ऑप्टिकल, कोएक्सियल, ऑक्स। और बस बाकी अनबॉक्सिंग के बाद अपने स्टाइल में एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे घर में करते हैं। बाबूल आजा, होशियार, बड़ा तामझाम दिख रहा है इसमें। तो सबसे ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें ब्लू डॉट ऑफ परफेक्शन के साथ सारे प्रोडक्ट्स का जिक्र कर दिया। इसके बाद फिर परफेक्शन की बात, और पीछे वारंटी, रजिस्ट्रेशन, QR कोड, एंजॉय इट, यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल खोल के एक चीज अच्छी पता चली कि ट्रेबल बेस को कंट्रोल करने का प्लस 3D मोड ऑन ऑफ करने का भी प्रोविजन है। होप सो जर्मन ब्रांड वाला टेस्ट आए। तो ये है कंप्लीट 3 स्पीकर्स का सेट, साइड में रखता हूं। पहले सारा सामान निकाल लेते हैं। पहला एक डब्बा खोलू, पहला खाली, एक और डब्बा पहला, ये भी खाली, एक और डब्बा एसेसरीज बॉक्स। इंग्लिश सीख रहा मैं, बहुत शिकायतें हो रही तुमको, एक दिन फराटेदार इंग्लिश बोलेगा मैं, क्या कह रहे, हिंदी तो बोली ही जाती। वेल, सबसे पहले रियर स्पीकर्स के लिए स्टैंड, सामान इतना है कि डेस्क भी छोटी पड़ गई। उसके बाद एक छोटू सा रिमोट, इसकी आगे बात करेंगे। ये एक मोटी पिन वाली केबल पावर देने के लिए, एक मोटी पिन वाला पावर एडेप्टर, एक ऑक्सिलरी केबल, गलत बोल रहा हूँ, एक ऑक्स केबल, एक कोएक्सियल केबल, एक हैवी पावर केबल, फिर एक और कोएक्सियल केबल, दो कोएक्सियल केबल, कुछ पेंच गिट्टी, मतलब वॉल माउंट का सामान, देसी नहीं होना, और ये भी खाली। एट लास्ट कुछ बड़ा सामान है इसके अंदर, पलटता हूं। चलो बेटा, ये गिर गया था, बदल दो दुल्हन की विदाई का वक्त। तो ये है इसका एक्टिव सबवूफर, जिसमें 8 इंच का आपको बेस ड्राइवर मिल रहा है सबवूफर, और ये रियर साइड पर बड़ा सा बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, ऊपर की साइड प्लास्टिक का कवर, बाकी MDF मेड, एंड फ्रंट पे ब्लो पंक की ब्रांडिंग, सही लग रहा है। रियर साइड पर पावर इनपुट विद ऑन ऑफ की, सबवूफर इनपुट, एंड DC के 24 वोल्ट आउटपुट, आई थिंक साउंड बार के लिए, तो वो भी अनरैप करता है। पैकिंग बड़ी सही की है, मिनिमल है, और मतलब एक बॉक्स में सब कुछ पैक कर दिया। तो ये है अपना साउंड बार, जिसमें टोटल 6 स्पीकर्स है, और फ्रंट पे मेटेलिक मैश, ब्लो पंक और डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग, वॉल माउंट पॉइंट्स ऑलरेडी साउंड बार पर है, और यहाँ पर HDMI, ARC इनपुट, ऑप्टिकल इनपुट, कोएक्सियल इनपुट, ऑक्स इनपुट, USB पोर्ट, सबवूफर आउटपुट, एंड DC 24 वोल्ट, जो कि सबवूफर से यहां मिलेगी, एंड राइट साइड पे सारे के सारे कंट्रोल दिए हैं, एंड यहां पे जो कंट्रोल्स हैं ये काफी क्लिकी हैं, नाइस। बाकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हैवी प्लास्टिक का है, रियर स्पीकर्स संभल नहीं रहा, तो ये काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 2 स्पीकर्स हैं टॉप साइड पर, मतलब कि दोनों रियर स्पीकर्स में टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, और ये टोटल सिस्टम 11 स्पीकर्स के साथ आता है, जिसमें 10 सैटेलाइट ऑफ 2.5 इंचेस साइज, एंड जो 11 ड्राइवर है वो है सबवूफर 8 इंच का, एंड यहाँ पे जो रियर स्पीकर्स है ये वायरलेस है, मतलब कि इनको पावर भी देनी पड़ेगी और दोनों को एक साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन फ्रंट पर साउंड बार के साथ ये वायरलेसली पेयर हो जाते हैं, तो थोड़ा फ्रीडम, क्लिक हो गया। तो स्टैंड्स को अटैच करना सिंपल है, जस्ट यहाँ पे प्लेस करना है, एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, हो गया, बहुत बड़े बड़े बना दिए। तो इसको सेटअप करके एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे घर में करते हैं। वेल अपना एक्सपीरियंस सेटअप, ट्रू एक्सपीरियंस सेटअप इज रेडी, लेकिन उससे पहले प्राइसिंग। तो इसको मैंने एक महीना पहले 19,990 की प्राइसिंग पे परचेज किया था, एंड अभी सेल वेल चल रही है, तो थोड़ा बहुत प्राइस में ऊपर नीचे हो सकता है, कहने मतलब ये कि ये अंडर 20,000 आता है, एंड एक महीना हम यूज कर चुके हैं, तो ये सही टाइम है इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देने का। लेकिन रिव्यू से पहले इसको सेटअप कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने वॉल्स सॉकेट से पावर सप्लाई देनी है अपने सबवूफर को, फिर सबवूफर से 24 वोल्ट DC आउटपुट जाएगी आपके साउंड बार में, फिर साउंड बार से सबवूफर को कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, एंड अभी हमने टीवी को HDMI ARC के साथ कनेक्ट किया है, तो HDMI केबल के थ्रू टीवी से कनेक्ट कर दिया। तो जो मैं यहाँ पे टीवी यूज कर रहा हूँ ये HDMI ARC सपोर्ट कर रहा है, तो HDMI केबल के साथ मैंने कनेक्शन बना दिया। अगर आपके पास कोई HDMI ARC कैपेबल टीवी नहीं है, तो आप ऑक्स, ऑप्टिकल, कोएक्सियल, ब्लूटूथ इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रंट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब रियर स्पीकर्स इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आपको फ्रंट साउंड बार से इनको कनेक्ट नहीं करना है, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रियर स्पीकर्स को पावर सप्लाई भी देनी है, और दोनों को एक साथ एक केबल से कनेक्ट करना है। तो जो राइट स्पीकर है वो मेन स्पीकर है, इसको पावर एडाप्टर के साथ पावर दे देनी है, उसके बाद एक और कोएक्सियल केबल के साथ दोनों स्पीकर्स को इंटरकनेक्ट कर देना है। अब पूरे सेटअप को ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपको रियर राइट स्पीकर पे एक की मिलती है, जिसको प्रेस एंड होल्ड करना है, और जो साउंड बार का रिमोट है इस पे प्ले पॉज वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। साउंड बार की डिस्प्ले पे आपको पेयर का ऑप्शन शो होगा, और ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा, एंड ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको बार बार इसको पेयर नहीं करना। तो आप लोगों के लिए एकदम पहला इंप्रेशन 5.1 स्पाइडरमैन नो वे होम प्ले कर रहे हैं, एंड विल लेट यू नो कि कैसा एक्सपीरियंस आता है। हाँ भैया, देख रहे हो तू,
साउंड सिस्टम है इसका, मतलब डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ आता है, डीटीएस 5.1 सराउंड है इसके अंदर। अब देखो इस सीन में तीन चीजें जो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। सबसे पहले जब बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर नहीं दिखा लेकिन साउंड आ रही थी तो वो रियर से आई है। सेकंड थिंग, इसमें जो 8 इंच का आपको सबवूफर मिल रहा है वो थंडर बेस दे रहा है, लेकिन जब डायलॉग डिलीवरी हो रही है तो उसको वो ओवरपावर नहीं कर रहा है, मतलब कि जब कुछ बोल रहे हैं तो वो चीज बेस के अंदर नहीं दब रही है। तीसरी चीज, जब डॉगी गाड़ी से मतलब राइट साइड से झांक के भौंका तो वो रियर राइट एंड फ्रंट राइट से ही आवाज आ रही थी, मतलब पूरा फील हो रहा था कि ये राइट साइड से आवाज आ रही है। जो मैंने बोला अगर नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देखो, यू विल गेट टू नो। तो सराउंड साउंड के और एक दो एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो रिमोट पे आपको इक्वलाइजर यानी कि ईक्यू बटन दिया है, यहां पे तीन प्रीसेट्स मिल रहे हैं, पहला म्यूजिक, दूसरा मूवीज, तीसरा न्यूज। तो अपन लोग अभी मूवी देख रहे हैं और मूवी प्रीसेट पे क्या खास बात है कि यहां पे जो बेस है वो कंट्रोल्ड हो जाती है और जो डायलॉग डिलीवरी है वो ज्यादा एनहेंस होकर आपको क्लियरली सुनाई देती है। तो ईक्यू 2 सेलेक्ट करते हैं, बेस तो लिटरली थंडर है, मतलब भूकंप आ गया रूम में, एंड अभी वॉल्यूम लेवल फुल है 32 एंड बेस का लेवल 3 है। वैसे जो बेस एंड ट्रेवल का लेवल है वो -5 से +5 तक है, एंड ट्रेवल भी मैंने 3 की हुई है। यहाँ पे एक चीज जो मेंशन करना चाहूंगा कि ये कुछ सोच रहा है मतलब ड्रीमी वे में, तो वो चीज रियर स्पीकर से सुनाई दे रही है, फ्रंट से सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। क्लैरिटी एक नंबर। ये कैसी हरकत है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाव? तुमने उस पेड़ को काट डाला? अरे मुझसे जरा भी चूक होती तो मेरा सर। बाहुबली 2 भी नेटफ्लिक्स पे प्ले हो रही है, 5.1 में ही है ये, और यहाँ पे पूरा सराउंड साउंड इफेक्ट फील होता है। अभी जैसे कटप्पा इधर था और बाहुबली सामने, तो वो स्पीकर से आवाज पीछे से ही आ रही थी जब कटप्पा बोल रहा था। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार इसमें डॉल्बी एटमॉस तो है नहीं, डॉल्बी डिजिटल प्लस डीटीएस 5.1 दिया हुआ है। सबसे पहली चीज ये आता है अंडर 20,000। दूसरी चीज, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डीटीएस 5.1 कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, एटमॉस अलग चीज है। एटमॉस के लिए आपको सीलिंग में 2 या 4 स्पीकर चाहिए, मतलब यहाँ पे जो चैनल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा 5.1.2 या 5.1.4, क्योंकि हम यहाँ पे 5.1 चैनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई 7.1 या 9.1 की बात मैं नहीं करूंगा। और इस पर जो सराउंड साउंड इफेक्ट है वो आपको एकदम प्रॉपर एंड रियल वे में मिलता है, लेकिन अगर आपको एक रियल 5.1 सराउंड साउंड इफेक्ट चाहिए तो आपको HDMI ARC पे ही इसको यूज करना है। अब यहाँ पर रियर स्पीकर्स में एक कूल चीज ये है कि जब आप इसको किसी स्मूथ सरफेस पे रखते हो तो ये चिपक जाते हैं। अब क्या होगा कि जो स्टैंड है वो आपका स्मूथ सरफेस पे चिपक गया, वो नहीं घूमेगा, लेकिन आप स्पीकर्स को स्टैंड से सेपरेटली 60 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो, मतलब कि अगर आप थोड़ा आगे पीछे बैठ रहे हो तो आप अपने स्पीकर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन स्पीकर्स की यानी कि रियर स्पीकर्स पे आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको मैक्सिमम 5-6 फीट की दूरी पर ही रखें अपने से। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अभी तो मेरे पास ये 2 फीट की दूरी पे है, अगर आप इनको 5-6 फीट की दूरी पे भी रख रहे हो तब भी आपको सराउंड साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो डेफिनेटली आपको सराउंड साउंड में कुछ ना कुछ कमी खलेगी, एंड वो चीज है वॉल्यूम। दैट मींस जब आप रिमोट से वॉल्यूम या ट्रेवल को कंट्रोल करोगे तो वो ओवरऑल सिस्टम की कम ज्यादा होगी, बेस ओनली सबवूफर के लिए वो सेपरेट पार्ट। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपको 2.1 यानी कि स्टीरियो कंटेंट ही देखने को मिलता है, 5.1 देखने को नहीं मिलता, तो वहां पे कैसा इफेक्ट आएगा? प्ले करते हैं। स्टीरियो कंटेंट में ज्यादा लाउडनेस मिल रही है इन कंपैरिजन टू 5.1 कंटेंट। देखो जो स्टीरियो कंटेंट है उसको भी ये 5.1 सराउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है आर्टिफिशियली, लेकिन गाने पे वो कुछ ज्यादा फील नहीं हो रही। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि जो बेस है वो 100% वॉल्यूम पे यानी कि जो 32 लेवल है इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम, वहां पर भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता, एकदम क्लियरली सुनाई देती है। एंड यार ईयरफोन्स लगा के रखो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप भी कर पाओगे। तो एक ट्रेलर प्ले करके देखते हैं कि कुछ सराउंड अराउंड बनता है क्या स्टीरियो का। देखो वो एक्चुअल 5.1 वाला तो इफेक्ट नहीं है जो आपको रियल 5.1 पे मिलता है, लेकिन स्टीरियो को ये आर्टिफिशियली 5.1 में कन्वर्ट कर रहा है, रूम पूरा का पूरा ऑडियो से फील हो जाता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है कोई फ्रंट से, तो मतलब ये आर्टिफिशियली टच देता है और उस चीज का फायदा आपको इस सिस्टम पे मिलेगा अगर आप बहुत ज्यादा 2.1 यानी कि स्टीरियो कंटेंट देखते हो। यहाँ पे
ब्रांड क्लेम करता है 360 वोट की टोटल आउटपुट, एंड मेरा जो रूम है वो है 15x12 का, एंड फुल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रही है, बेस इतनी डीप है कि आपको सोफे पे मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब में आपको डिस्टॉर्शन सुन रही है, साउंड में नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो कांप रहे हैं वाइब्रेशन से। तो जो 8 इंच का सबवूफर है वो काफी पावरफुल है, आपको बेस में कोई कमी नहीं आने वाली। और अगर आपका रूम मैक्सिमम 20x15 का भी है यानी कि होल है, तो वहां पे भी ये मोर देन इनफ रह जाएगा अगर हम 20,000 के बजट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज है कि हर ब्रांड 20 Hz से 20 kHz की फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स का दावा करता है, इन्होंने भी किया है, तो यहाँ पे इतना तो नहीं है लेकिन 35 के आसपास है, यानी कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी या लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी को टच करता है वो 35 Hz है, क्योंकि इतना आइडिया हो चुका है, इतने सारे सिस्टम सुन चुके हैं, एंड 35 Hz अगर ये टच कर रहा है तो वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा। तो रिमोट पे एक 3D बटन दिया हुआ है, इसका क्या यूज है, तो मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगा विदाउट 3D, एंड प्ले करने के 2-3 सेकंड बाद में 3D बटन प्रेस कर दूंगा, आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा, उससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि है क्या, फिर एक्सप्लेन करूंगा। 3D बटन प्रेस करते ही आपको फील हुआ होगा कि वॉल्यूम थोड़ी कंप्रेस हो गई, लेकिन हुआ क्या कि जो ओवरऑल वॉल्यूम थी वो पांचों के पांचों चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसके बाद हल्का सा रिवर्ब मतलब जो गूंज होती है वो इफेक्ट ऐड हो जाता है, तो आर्टिफिशियली ऐसा लगता है कि यार आप एक हॉल में बैठे हो यानी कि मूवी थिएटर में और आवाज गूंज रही है चारों तरफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस 3D बटन में। बट हाँ, जब आप म्यूजिक एक्सपीरियंस कर रहे हो इस पे और 3D बटन के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको एक सराउंड साउंड इफेक्ट आएगा, मजा आता है इसमें थोड़ा। एंड इस सैंपल के साथ मैंने इक्वलाइजर का प्रीसेट 1 यानी कि म्यूजिक इक्वलाइजर यूज किया था, तो इसमें थोड़ी बेस ज्यादा बढ़ जाती है, गाने सुनने के टाइम पे आपको बेस ही चाहिए, बाकी जो क्लैरिटी है ट्रेबल है या वोकल्स डिलीवरी है वो आपको एकदम प्रॉपर मिलती है, कोई ओवरपावर नहीं करती इसकी बेस लेकिन झटके देती है। तो अभी हमने म्यूजिक एंजॉय किया, प्रीसेट 1 हम यूज कर रहे थे, अब मैं डायरेक्टली आपको न्यूज प्रीसेट यानी कि प्रीसेट नंबर 3 पे डाल के दिखाऊंगा कि क्या ऑडियो में डिफरेंसेस आते हैं। उन्होंने ब्रिटेन में हुई हिंसा पे IS हाथ होने की आशंका जाहिर की। तो जो प्रीसेट 3 है यानी कि न्यूज वाला, इसमें क्या हो रहा है कि जो बेस है वो पूरी कट हो जाती है, अराउंड 10-15% ही बचती है 100 में से, और जो न्यूज डिलीवर हो रही है उसकी पिच हाई हो जाती है, मतलब कि जो बैकग्राउंड में धमाधम करते हैं वो आपको इरिटेट नहीं करेगी, बस क्लियरली न्यूज सुनाई देगी। तो बात है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि म्यूजिक एक्सपीरियंस वाया ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ 5.0 मिलता है इसके साथ और डेडिकेटेड की है ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए, सेलेक्ट कर लिया हमने, एकदम कनेक्ट हो गया। एक चीज है कि लाउडनेस बहुत ज्यादा है अगर हम HDMI ARC से कंपेयर करें, लेकिन जब मैं 3D सिलेक्शन कर रहा हूँ ना तो एक्सपीरियंस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, एंड पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे ज्यादा मजा 3D पे आ रहा है। बाकी इसमें आपको USB पोर्ट भी दिया है जिसमें 64GB तक की पेन ड्राइव यूज कर सकते हो, लेकिन म्यूजिक फॉर्मेट आपका WAV या MP3 होना चाहिए, एंड जो आपकी पेन ड्राइव है वो FAT32 फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रांड ने अपनी Amazon और Flipkart की लिस्टिंग में क्लेम किया हुआ था कि डिजाइन इन जर्मनी एंड डेवलप्ड इन जर्मनी, लेकिन मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, तो जो पूरी टेक्निक है वो जर्मनी वाली यूज हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चर चाइना में ही हो रहा है, सभी यही कर रहे हैं। एंड देखो, मैं खुद जर्मन प्रोडक्ट्स का फैन हूँ, मेरे पास ऑलरेडी Volkswagen पोलो है, मैंने सेकंड टाइम पोलो परचेज किया अभी, एंड ये चीज मैं काफी अच्छे से समझता हूँ कि जो जर्मन प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्वालिटी का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही मिलता है, वो सेम चीज ये भी एक्सपीरियंस करा रहा है। बट एक छोटी सी कमी जो मुझे लगी कि रियर स्पीकर्स की वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन इसमें होना चाहिए था, वैसे तो ये बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करता है रियर स्पीकर्स की वॉल्यूम के लेवल को, लेकिन एक ज्यादा डिस्टेंस पे अगर आप रख रहे हो तो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाने का अगर प्रोविजन हो तो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को चेंज कर सकते हो। तो अगर कंक्लूजन पे आऊं तो इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है 20,000 rupees के अंदर मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, जिस प्राइसिंग पे ये आ रहा है वहां पे आपको ये प्रॉपर वैल्यू ऑफर कर रहा है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको 8 इंच का सबवूफर देखने को नहीं मिलता, वो भी एक अच्छे खासे ब्रांड के साथ, और बाकी जर्मन ब्रांड्स बिल्ड क्वालिटी पे स्पेशली ध्यान देते हैं, तो वो चीज इस पर है, आपको एकदम प्रॉपर सॉलिड चीज मिलती है। तो इसका जो परचेज लिंक है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, बाकी अगर अभी कोई डाउट है कंसल्ट करना है तो कमेंट सेक्शन नीचे, और इंस्टाग्राम हैंडल इधर है और सब्सक्राइब इधर है। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, respect the tech.